हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। वेल दोस्तों, इंडियन आइडल कॉन्टेस्टेंट दिबोशमिता के लिए आखिर मणि की मां ने अपने हाथों से क्या बनाकर भेजा। दिबोशमिता के आंसू तो बहते बहते थमे ही नहीं। वेल दोस्तों, आखिर मणि की मां को क्यों भाग गई दिबोशमिता, क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे आपको इस खबर से जुड़ी पूरी की पूरी सच्चाई। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल, आपको बता दें कि इंडियन आइडल में मौजूद कॉन्टेस्टेंट दिबोशमिता रॉय के जिंदगी की कहानी, कठिनाइयों की कहानी कहीं ना कहीं मणि से जुड़ी हुई है, मणि के परिवार वालों से जुड़ी हुई है। यही वजह रही कि इंडियन आइडल में मणि की मां ने दिबोशमिता को देखा और ये जाना कि किस तरह से वो अपने माँ बाप को मदद करना चाहती है। और इसीलिए मणि की मां सिलाई का काम करती है। मणि ने पूरे सीजन में वही शर्ट्स पहने जो उसकी मां ने बनाए थे। ऐसे में मणि की मां ने एक खास दुपट्टा सिला है दिबोशमिता के लिए, एक आशीर्वाद के रूप में, कि जब जब वो दुपट्टा वो अपने पास रखेंगी, ये एक आशीर्वाद, एक माँ का आशीर्वाद है जो दुआ बनकर हमेशा दिबोशमिता के पास रहेगा और हमेशा ही दिबोशमिता को एक हिम्मत देगा कि वो कुछ कर सकती है। आखिर माँ के आशीर्वाद से बड़ा और क्या ही होता है। मणि आया स्टेज पर और उसने वो दुपट्टा दिखाया और कहा कि ये मेरी माँ ने भेजा है दिबोशमिता के लिए। वो दिबोशमिता की जिंदगी में अपनी कहानी देखती हैं, दिबोशमिता की माँ में वो खुद को देखती हैं। इसीलिए मेरी बड़ी बहन के लिए, दिबोशमिता के लिए उन्होंने ये खास दुपट्टा भेजा है। दिबोशमिता ने जब इतना प्यार देखा कि किसी ने उनके लिए अपने हाथों से दुपट्टा बनाया है, तो उनके आंसू नहीं रुके और माँ का ये अनोखा प्यार पाकर वो भी रो पड़ी। दोनों ने ही एक दूसरे को भाई बहन बना लिया। वेल, आप क्या कहेंगे मणि और दिबोशमिता के रिश्ते पर, हमें अपने व्यूज कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।